हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं चिन्मय कुमार राव, तो आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है कंपनी लॉ के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो कंपनी लॉ का को मीनिंग, डेफिनेशन एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम जो डिस्कस किया था प्रिलिमिनरी, उसके बारे में जो प्रिलिमिनरी ऑफ कंपनी लॉ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है सेकंड चैप्टर जो कि हमारा CI इंटर में है, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चले दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं उसका फर्स्ट, उसका मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट मीनिंग वो लिखा है कि द टर्म ऑफ अ कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, जो कि ग्रुप ऑफ पर्सन को इंडिकेट करता है, एंड हु हैव कम्स टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पज, जो कि सभी लोग इसमें इंक्लूड होते हैं एक कॉमन पर्पज के लिए, जो अर्निंग प्रॉफिट एंड डू बिजनेस। इसी का जो कॉमन पर्पज है कि बिजनेस का कॉमन पर्पज, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि हम इसमें 2-3% मिलकर एक तरह का कंपनी बनाया जिसमें हम जो स्टूडेंट को और जो बच्चों को हम पढ़ाएंगे, तो बच्चों को पढ़ाएंगे तो एक तरह का बिजनेस हुआ। तो हमारा मेन पर्पज क्या है कि बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें एक तरह का बिजनेस हुआ, तो बिजनेस में जो भी अर्निंग्स आता है वो एक तरह का प्रॉफिट है। तो इसमें बोल रहा है कि जो कंपनी होगा इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन, इसमें हम 2-3 लोग मिस जो हम ऐड होके हम बिजनेस करने लगे हैं, तो बिजनेस जब कर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या होगा, मेन पर्पज रहेगा कि हम क्या करेंगे, देन उसमें हमारा क्या अर्निंग रहेगा, मतलब उसका हमारा क्या प्रॉफिट रहेगा, उसके बारे में भी सोचेंगे। तो जो उसको फुलफिल कर रहा है उसको बोलते हैं कंपनी। तो उसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है, उसका डेफिनेशन बोल रहा है जो सेक्शन 2 एंड क्लॉज बोल रहा है 20, जिसमें लिखा है कि कंपनी मींस ए कंपनी हुई चीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुआ है इसी एक्ट में। कौन सी एक्ट, जो हमारा 2013 जो एक्ट है, हमारा कंपनीज एक्ट जो है 2013, इसमें डिस्क्राइब किया जा रहा है कि कंपनी का मीन्स क्या होता है, एंड और एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट, जो कि प्रीवियस कंपनी एक्ट क्या बोल रहा है, मतलब कि हमारा जो 1956 में जो था कंपनी लॉ, उसको भी वो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। इसमें भी उसका डेफिनेशन भी लिखा है, तो इसमें भी जो डेफिनेशन लिखा है उसको भी इंडिकेट कर रहा है, और हमारा जो कंपनी लॉ, हमारा कंपनी जो एक्ट जो 2013 है उसको भी इंडिकेट कर रहा है। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन बोल रहा है, जो लॉर्ड जस्टिस लैंडली बोल रहे हैं कि कंपनी क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, जो कंपनी का डेफिनेशन इसमें डिस्क्राइब किए हैं, ये कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन हु हैव कंट्रीब्यूट मनी और मनी जी वर्थ टू डू कॉमन स्टॉक, जिसमें वो लिखा कि एक कंपनी जो कि एसोसिएशन मतलब एसोसिएट किया जा रहा है, इसमें मैनी पर्सन से इंक्लूड होते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं सम ऑफ मनी, जिसको कंपनी देखता है कि वो एक तरह का कॉमन स्टॉक है, मतलब उसका कैपिटल है, एंड एम्प्लॉय इट इन सम ट्रेड, जिसमें इसमें कोई भी एक तरह का बिजनेस होगा और उसके अर्निंग्स रहेगा, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा इसमें एक तरह का अर्निंग्स रहेगा। तो इसमें जो कोई भी एसोसिएशन में वो होगा उसको बोलते हैं कंपनी। तो लॉर्ड जस्टिस लैंडली वो बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं फीचर्स के बारे में, जो फीचर्स हमारा कंपनी, जो कंपनी का मीनिंग और डेफिनेशन को अच्छे से कंप्लीट करेगा और उसको अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट हम एक डायग्रामेटिकली समझते हैं कि कंपनी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसका कैसे हम अच्छे से याद कर सकते हैं। फर्स्ट जो कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक तरह का है सेपरेट लीगल एंटिटी, देन होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, और भी इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेपरेट प्रॉपर्टी, कॉमन सेल, कैपेसिटी टू सेल एंड टू बी सेल, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अच्छे से बिट बाय बिट डिस्क्राइब करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे।
तो चलिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स से एक्सप्लेन किया जा रहा है सेक्शन 9 में एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसमें फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। हम जो 12th क्लास में पढ़े थे कि सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब हम जो पढ़े थे कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जो बिजनेस ओनर्स जो होता है वो अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। जैसे हम उधर समझते हैं इसी में भी उसका सेम डेफिनेशन और सेम मीनिंग इसमें लगेगा और उसको हम अच्छे से भी समझ पाएंगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब जिसमें कंपनी मतलब जो हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब वो एक तरह का पर्सन हुआ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन वो अलग है और जो मेंबर्स होते हैं कंपनी में जो काम करते हैं जो वर्कर होते हैं वो सभी जो पर्सन होते हैं वो सभी अलग होते हैं। मतलब उसको हम मर्ज नहीं करेंगे, उसको हम एक तरह का जैसे कि तंग सभी को हम इकट्ठ नहीं करेंगे तो एकजुट नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, इसमें हम समझ आ जाएगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी अलग और जो मेंबर्स होते हैं जो कंपनी का मेंबर्स होते हैं वो सभी अलग। इसमें और एक डिस्कस कर रहा है कि जो सोलेमन एंड को लिमिटेड उसके बारे में, तो इसी का जो मीनिंग लिखा है मतलब उसी जो केस स्टडी इसमें लिखा है उसी से ही समझ आ जा रहा है कि सोलेमन एक तरह का जो पर्सन है और सोलेमन एंड को और कंपनी लिमिटेड जो कि एक तरह का कंपनी है जो सेपरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसमें लिखा है कि मिस्टर सोलेमन जो लिखा है कि मिस्टर सोलेमन वाज रनिंग ए शूज बिजनेस जो कि उसका सोलेमन एंड को लिमिटेड जिसमें वो शूज मेक करता है और उसको सेल करता है। तो ही फॉर्म्ड ए कंपनी नोन एज सोलेमन एंड को लिमिटेड, इट कंसिस्टेड ऑफ सोलेमन हिमसेल्फ हीज वाइफ हीज 4 सन एंड डॉटर जो कि इसमें सभी इंक्लूड होते हैं। द शूज बिजनेस ऑफ मिस्टर सोलेमन वाज सोल्ड टू द कंपनी जो कि कंपनी को वो उसी में जो शूज बनता है उसको सेल किया तो उसका प्रॉफिट जो होगा उसी प्रॉफिट में उसका हक रहेगा, नहीं कि उस कंपनी का कोई भी लायबिलिटी वो क्या करेगा टेकन नहीं करेगा। तो मतलब है कि इसमें जो बोल रहा है सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब जो बोल रहा है कि जो पर्सन रहेगा जो मेंबर रहेगा और सेपरेट लीगल एंटिटी है वो सेपरेट है और जो बिजनेस और मतलब जो कंपनी वो अलग है। और जो हाँ तो हमारे मन में भी एक तरह का क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब इसी में हम सभी लोगों को सेपरेट सेपरेट मानेंगे तो कैसे जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे लाइबल होते हैं और वो लाइबिलिटी कैसे सुल जाते हैं और पेमेंट करते हैं, क्यों पेमेंट करते हैं, वो भी एक तरह का क्वेश्चन हमारा मन में आता होगा। तो उसी जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम समझेंगे और एक वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वैली, जिसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उठा सकते हैं उसी जो सेक्शन इसमें लग रहा है सेपरेट लीगल एंटिटी का उसको हम कैसे उठा देंगे और हम जो कंपनी में क्या हो रहा है कंपनी के पीछे जो पर्सन इसमें इंक्लूड होकर बिजनेस को चला रहे हैं वो लायबल होंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमारा डिस्कस कर रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा है परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब इसमें लिखा है कि परपेचुअल सक्सेशन में लिखा है कि परपेचुअल सक्सेशन मीन्स ए कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस व्हिच मीन्स कंपनी नेवर डाइज, उसका मतलब है कि कंपनी कभी भी इसका मत नहीं होगा, कभी
मत होगा जब उसका मेंबर चाहे तो, लेकिन उसको चाहो तो वो एंड एवर तक वो चल सकता है। अभी कंपनी का वाइंड डिव्यू अप भी हो सकता है, कंपनी को हम मिटा दे सकते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन कंपनी कभी उसका मात नहीं होता है। वो एक तरह का कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस है जो कि कंटिन्यूअसली वो चलता होगा। लेकिन जब मेंबर चेंज हो जाएंगे तभी कंपनी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, मतलब कंपनी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा है, सेपरेट प्रॉपर्टी, मतलब जो कंपनी में एक तरह का सेपरेट प्रॉपर्टी रहेगा। जैसे कि हमको लगता है कि कंपनी एक तरह का सेपरेट लीगल पर्सन है, जैसे ही सेपरेट लीगल पर्सन है हमारा आईज में और लॉ के आईज में भी, तो इसी तरह की उसका भी क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी इन हिज ओन नेम, मतलब उसका नेम में भी वो प्रॉपर्टी रख सकता है। तो कंपनी का नेम भी प्रॉपर्टी हो सकता है। देन नेक्स्ट जो है कॉमन सील, वो क्या बोल रहा है, कॉमन सील बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट टू हैव ए कॉमन सील हैज़ बीन रिमूव्ड बाय कंपनीज अमेंडमेंट टू एक्ट 2015। इसमें लिखा है कि पहले से जो हमारा कंपनी एक्ट था 1956, इसमें क्या होता है ना कि कंपनी का कॉमन सील था, जो कि कंपनी सभी डॉक्यूमेंट्स और सभी में उसी सील को वो यूज करता था, लेकिन अभी उसी अमेंडमेंट में उसको हटा दिया गया है, जो 2015 में था उसको हटा दिया गया है। अभी वो कॉमन सील का जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो नहीं है, लेकिन उसको भी हम पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट जो लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी को कैसे याद करते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी जो बोल रहा है कि इन ए केस लिमिटेड बाय शेयर और इन ए केस लिमिटेड बाय गारंटी, जो कि हमें दोनों को डिस्कस करेंगे। जिसमें लिमिटेड बाय शेयर मतलब जो कि कंपनी में जो कोई भी मेंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, कुछ लोगों का लिमिटेड शेयर होता है जो कि इतने लिमिट तक वो शेयर तक वो लायबल होंगे, तो इतने के शेयर वो पेमेंट करेंगे। इसमें लिखा है कि इन ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड, मतलब उसी जो कंपनी में जो कोई भी मेंबर होते हैं उसका जो लायबिलिटी का लिमिट वो जितना फिक्स होता है उसी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो इतने ही देंगे, उसने उतने ही से ज़्यादा नहीं देंगे। और जो लिमिटेड बाय गारंटी क्या बोल रहा है, लिमिटेड बाय गारंटी बोल रहा है कि कुछ पर्सन्स जिसमें गारंटर होते हैं गारंटी देते हैं कि मैं इतने ही तक लायबल होगा और इतने से ज़्यादा लायबल नहीं होगा। इसमें शेयर का कोई भी इंक्लूड नहीं होता, जिसमें कि शेयर जितना ही शेयर उतने ही लिमिट नहीं है, उसने से ज़्यादा भी हो सकता है, जो कि लिमिटेड बाय लायबिलिटी में बता रहा है। देन नेक्स्ट जो बोल रहा है कि कैपेसिटी टू सीव एंड बियरिंग सील्ड, मतलब कि कंपनी चाहे तो क्या कर सकता है, एग्नेस्ट किसके अगेंस्ट में सीव कर सकता है, जो कंपनी के नेम से और कोई भी सिमिलरिटी आ गया है और कोई कंपनी का, तो उसी कंपनी के अगेंस्ट में वो सीव कर सकता है। इसमें लिखा है कंपनी कैन फाइल सीव टू अगेंस्ट अदर इन इट्स ओन नेम, मतलब उसी का नेम और कोई भी कंपनी के पास रह गया है और वो कोई भी कंपनी उसी नेम को यूज कर रहा है, तो क्या कर सकता है, उसी कंपनी के अगेंस्ट में वो सीव कर सकता है। देन नेक्स्ट जो बोला है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जिसमें हम डिस्क्राइब किया था कि एक कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब कि रजिस्टर्ड होना, तो जो कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं और इनकॉर्पोरेटेड होते हैं किसी के अंदर, जो हमारा इंडियन कंपनी एक्ट है 2013 उसी के अंदर उसको रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड होना होते हैं। देन लास्ट पॉइंट जो हमारा बोल रहा है फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर, मतलब जो कोई भी इसमें मेंबर होते हैं और इसमें जो शेयर होल्डर होते हैं वो चाहे तो फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं और कोई पर्सन के पास उसी का शेयर को, तो इसमें लिखा है कि उसका मीनिंग लिखा है फ्रीली ट्रांसफरेबल इट मीन्स द शेयर ऑफ द कंपनी कैन बी परचेज और सेल इन ओपन मार्केट, मतलब जो ओपन मार्केट है
उस ओपन मार्केट में सभी लोग उसको परचेज कर सकते हैं, उसको भी सेल कर सकते हैं, उसको फ्रीली ट्रांसफरेबल किया जाता है। तो अभी हम जो जो डिस्कस कर रहे थे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसी के बाद हम जो डिस्कस करेंगे, मैं जो बोल रहा था कि लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वैल्यू, जो कि हम कैसे सेपरेट लीगल एंटिटी को समझते हैं, तो उसी तरह कि कैसे हमारा जो सेपरेट लीगल एंटिटी के माध्यम से हम जो सोचते हैं कि बिजनेस अलग और मेंबर अलग, तो इसी तरह कि बिजनेस और मेंबर को कैसे एग्जिट किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इतना ही वीडियो था, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग योर वीडियो। लाइक अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।